समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हम समझदार नहीं है सर, हमें समझाइए। आप समझदार हैं, आप हमें समझाइए। देखो ये हालात को देखते हुए गवर्नर रूल लगाया गया था। गवर्नर रूल कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहता है, इसके बाद सरकारें बनती हैं। जब हालात ये पंचायत के इलेक्शन वगैरह होते हैं उसके बाद ये सोचा तो चल रहा है। अभी किसी के साथ बात, किसके साथ अलायंस हो गया आपकी? कई लोग हमसे अप्रोच कर रहे हैं, जो भी हालात बनेंगे उसको बता दिया जाए। तो नाम बताइए ना सर। अभी नाम नहीं बताया जा सकता सर। इसमें क्या पर्दा है? नहीं पर्दा नहीं, ये तो कल भी पता चलेगा। पर्दा है, दूसरे अलर्ट हो जाते हैं इसलिए पर्दा है। तो एक और सवाल मेरा है, मेयर कैंडिडेट के लिए कौन चुना है आपने? अभी सर्पॉपुलेशंस बहुत है, क्योंकि अभी पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हुआ है। हम अभी उस पर काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, कल से हम आए हैं, अभी फाइनल करके उसको जाएंगे। तो अभी कितने इंडिपेंडेंट आपके पास आए हैं इसके लिए कि अलायंस? देखो अलग अलग लोग अप्रोच कर रहे हैं, ये जो अपना पीपल कॉन्फ्रेंस के साथी भी हमारे साथी हैं, उनके साथ लाइक माइंडेड लोगों को बिठा करके जल्द ही इस पर। रेस में कौन सा अव्वल आएगा? रेस में कौन अव्वल होगा मेयर? अभी मैं क्लियर बात नहीं कह सकता। अभी दो चार लोगों ने अप्रोच किया, उसमें कौन बैठता है क्योंकि अपने अपने एलाइज के साथ भी बात करनी उसके बाद। रियासत में जो ये असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो भी बड़े महत्व होते हैं, और एक करीब अब एक साल होने को है कि रियासत में सरकार नहीं है। आप चार महीने हुए, चार महीने को होने को है कि ऐसी सरकार नहीं मिल रही है लोगों को, लेकिन आप म्यूनसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन के पीछे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि रियासत में सरकार भी होनी चाहिए थी? ये सरकार भी होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमने समर्थन वापस लिया उसके बाद जो स्थिति बनी थी, किसी के पास बहुमत नहीं था, सरकार किसी ने नहीं बनाई, तो गवर्नर रूल लगाना अनिवार्य था। ऐसी डिमांड नहीं होनी चाहिए थी गवर्नर साहब को कि वो असेंबली डिसॉल्व करके पहले असेंबली इलेक्शन ही कर पाए? देखो अभी ढाई साल का पीरियड बचा हुआ है, ये गवर्नर साहब का प्रेरोगेटिव है, वो क्या करते हैं। जब वो उस प्रकार का निर्णय लेंगे मिल बैठ करके सेंटर से, तो उसका तभी चीज़ें हो सकती हैं। अभी ढाई साल पड़े हुए हैं, क्या पता गवर्नमेंट ने क्या सोचा। ढाई साल तक ऐसे ही गवर्नर राज ही रहेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ज्यादा गवर्नर साहब बताते, छह महीने से ज्यादा गवर्नर रूल नहीं रहता है। तो होम मिनिस्टर यहाँ पर कल आए थे, क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन का कोई असर उस पर है? नहीं, कल तो मुझे लगता है सिक्योरिटी सिनेरियो को देखने के लिए आए थे, उससे बात हुई हमारी बैठ करके, जो भी यहाँ की यहाँ का सिनेरियो है उसके बारे में हमने बात की, और ये भी कहा कि पंचायत के और ये दूसरे इलेक्शन के लिए हमने उनको मुबारकबाद दी है। मुझे लगता है कि रियासत में सबसे जो गरीबों की एक जो पंचायत या लोकल बॉडी जाती है, ये बहुत बड़ा कदम था, उसके लिए उनको मुबारकबाद दी, और ये अच्छे प्रकार से हुए। और हम गवर्नर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देना चाहते हैं। मुझे लगता है इसके बाद स्टेट के हालात पहले से बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो सब यहाँ पर आप कैसे देखते हैं, सिविलियन किलिंग्स बहुत हो रही है, अनस्टॉपेबल है, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? देखो भारतीय जनता पार्टी इस पर दुख व्यक्त करती है, जब इस प्रकार की कोई सीन बनता है, कोई कैजुअलिटीज होती हैं, तो उसमें आगे नहीं जाना चाहिए सिविलियंस को भी, ये भी उनको सोचना चाहिए। मिलिटेंट है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, मिलिटेंट को मिलिटेंट का खिताब दिया जाए। तो एक बात यहाँ पर हमें आम तौर से देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जब भी होती है आप ब्लेम करते हैं नेबरिंग कंट्री को, लेकिन कभी भी आपने सिक्योरिटी फोर्स पर नहीं ब्लेम की कि वो चौकन्ने क्यों नहीं रहते हैं, कैसे इन्फिल्ट्रेशन? लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि कई जगह बॉर्डर ऐसे रहते हैं जो सील नहीं किया जा सकते। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अपने आप में काम करने में सक्षम हैं, रोज कई लोग पकड़े जाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जो उनको शेल्टर्स देते हैं उनको यहाँ से पास करवाते हैं आज भी। लेकिन आज अब जो पिछली बार ये जम्मू में एक प्रोग्राम हुआ था उसमें स्मार्ट फेंसिंग की बात की जा रही बॉर्डर पे, जब स्मार्ट फेंसिंग होने के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें रुकेंगी। तो नेबरिंग कंट्रीज हाथ आपकी तरफ बढ़ा रही है बातचीत के लिए, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। देखो कश्मीर को ऐसे नेबरिंग कश्मीर स्वर्ग है, स्वर्ग रहे अच्छी बात है। आज जो भी हालात यहाँ पर ख़राब किए हैं पाकिस्तान, उसका मुख्य कारण रहा है। कश्मीर से फिर से अमन चैन आएगा ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और देखो एक तरफ से गोलाबारी घुसपैठ, उसके साथ ये बराबर की बात नहीं की जा सकती। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको पूरे वर्ल्ड के देशों ने एक मिलिटेंट मुल्क करार किया दिया है, तो मुझे लगता है कि उसको आइसोलेट कर दिया गया है। आने वाले टाइम में वो भारत का कभी सगा नहीं हो सकता, भारत के खिलाफ उसने हमेशा से जंग छेड़ी है, ये कोल्ड वार में वो जीत नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर के फिर से जो हालात पैदा होंगे, कश्मीर में अमन चैन आएगा, हमारे बच्चे फिर वही एक सुख का माहौल यहाँ पर हो सकता था कि मतलब अभी नई गवर्नमेंट वहाँ पर आई है, हो सकता था पुरानी गवर्नमेंट ऐसी थी। देखो वो उसको गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता, ISI ने और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सपोर्ट किया है, वहाँ की आर्मी ने उनको सपोर्ट किया है, उनको अपने उनके पास जो खजाना है
वो सिर्फ 3 महीने का उनके पास फॉरेन करेंसी है, अपने देश की चिंता करें, कल को वो रोटी पानी को बेचैन ना हो जाएं, और टेंशन डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में इस प्रकार की कार्रवाई होती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार पाकिस्तान के हालात है उस वहाँ पर भूखमरी पैदा होने वाली है, पहले भूख की तरफ ध्यान दें, बाद में इन चीज़ों पर ध्यान दें।